हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ मैट्रिक्स बाय पीके सर। तो सबसे पहला बात, मैट्रिक्स में इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n नंबर ऑफ इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ बॉक्स एज दिस अनलाइक डिटर्मिनेंट इट हैज नो वैल्यू आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन रूल और ऑपरेशन। मैट्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये जो मैट्रिक्स हो गया, एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल के जैसे ये एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है, नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम का अरेंजमेंट होता है। तो ये देखिए, लिखते हैं ये a11 a12 a13 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से बहुत सारा क्या हो सकता है, रॉ हो सकता है। a1n मान लेते हैं, n रॉ, ये जो है n तक चलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट। और ये मान लेते हैं ये a21 सेकेंड रॉ है, a22 a23 डैश 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 a2n, ये a31 a32 a33 डैश 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 a3n। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, बहुत सारा एलिमेंट होगा, am1 am2 ये am3 डैश 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 ये amn तक। ये जो है ये अरेंजमेंट हो गया, किसका, नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम का अरेंजमेंट हुआ है। ये देखिए, ये जो फर्स्ट 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 लिखा हुआ, तो ये फर्स्ट रॉ हो गया। ये सेकेंड 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 जो लिखा हुआ, सेकेंड रॉ हो गया। ये जो थर्ड 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 जो लिखा हुआ, ये थर्ड कॉलम हो गया, थर्ड रॉ हो गया। और ये जो है एम एम एम, इस तरह से एम रॉ लिख लिया है। एम रॉ का एलिमेंट हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, एम कॉलम का मैट्रिक्स हो सकता है। ये कॉलम हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे, ये जो लिखते हैं यहाँ पे एम इंटू एम लिखे, यानी ये जो है अरेंजमेंट होगा किसका, रॉ का और कॉलम का, यानी नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम का अरेंजमेंट हो रहा है। यानी ये m क्या डिनोट कर रहा है, m जो डिनोट कर रहा है, ये नंबर ऑफ रॉ को डिनोट करता है, नंबर ऑफ रॉ को। और ये जो n है, ये नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम एंड कॉलम। ठीक, तो और ये जो m इंटू एम जो लिखे हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर कहते मैट्रिक्स का कौन सा ऑर्डर है, तो ये तो दोनों है m इंटू एन ऑर्डर का हो गया। ठीक ना, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स। ठीक है, ये नहीं, अगर मान के चलिए कोई भी मैट्रिक्स दे दिया, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया, 2, 4, 6, 7, ये कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दे दिया 2x2 का, यानी दो रॉ दो कॉलम हो गया, दो रॉ दो कॉलम का मैट्रिक्स हो गया। ऐसा नहीं कहते हैं, अगर पूछेगा कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, 2x2 लिखना है, 2x2 ही लिखेंगे। अगर कोई पूछ देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स पूछेगा, तब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब 2x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। इसका मतलब इसमें जो मैट्रिक्स में जो रहेगा टोटल एलिमेंट कितना होगा, तब 4 होगा। अगर कोई ऑर्डर पूछेगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तब लिखेंगे 2x2 लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, 2x2 लिखेंगे, तब मल्टीप्लाई नहीं करना, तब 2x2 लिख के करेंगे। ठीक है, इसका मतलब टू रॉ है, दो कॉलम का मैट्रिक्स है, दो रॉ दो कॉलम का मैट्रिक्स है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा, तब 2x2 मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी मैट्रिक्स हो। तो फिर
फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है मैट्रिक्स ये, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह के, कितना एलिमेंट होगा कितना क्या होगा, ठीक इस पे क्वेश्चन करते हैं। कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टू इंटू टू, इफ ए आई जे बराबर आई प्लस जे डिवाइडेड बाय टू, ठीक फोर आई एंड जे, मतलब ये कह रहा है जो भी मैट्रिक्स लेना है वो टू इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, दो इंटू दो ऑर्डर का होना चाहिए। आई और जे के लिए हम डिटरमिनेंट में भी पहले जो फर्स्ट में लिखा हुआ रहता है आई होता है, जो सेकंड बार लिखा तो उसको जे बोलते हैं, यानी यहाँ पे पहले सबसे पहला दो इंटू दो मैट्रिक्स बनाएंगे, ये ए वन वन ए वन टू हो गया, ए टू वन ए टू टू हो गया, ये टू इंटू टू मैट्रिक्स बन गया, दो ऑर्डर और दो रॉ का, दो कॉलम और दो रॉ का मैट्रिक्स बन गया, ठीक यानी टू इंटू टू का मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे कर रहा है ए आई जे, ए आई जे बराबर आई प्लस जे डिवाइडेड बाय टू है, तो इसका मतलब आई का वैल्यू अगर हम कहेंगे ए वन वन का निकालना है तो मतलब हो गया आई का वैल्यू कितना वन, जे का वैल्यू भी वन, तो इसका मतलब हो गया कि वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, टू बाय टू इक्वल टू वन हुआ। अगर कहते ए वन टू लिखा हुआ तो वन टू, आई का वैल्यू वन और जे का वैल्यू टू हो गया, इसका मतलब वन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू ये कितना हो गया थ्री बाय टू हो गया। अगर और भी कहते अगर ए टू वन, ये ए टू हो गया वन हो गया, ए टू वन हो गया, आई का वैल्यू कितना टू और जे का वैल्यू वन, तो टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ये थ्री बाय टू हो गया। ए टू टू हो गया, इसका मतलब टू इंटू टू, सॉरी टू प्लस टू डिवाइडेड बाय टू ये कितना हो गया फोर डिवाइडेड बाय टू यानी टू हो गया, ये मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ये मैट्रिक्स जो बना हमारा, पहला फर्स्ट बन गया वन, सेकंड में हो गया थ्री बाय टू, और थर्ड में भी कितना आ रहा, यहाँ पर भी थ्री बाय टू आ रहा है, यहाँ पर टू आ रहा, तो ये एक मैट्रिक्स बना, ये एक मैट्रिक्स बना। इस तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन 3.1 में एक्सरसाइज में, ठीक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने के लिए, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए इतना है, मैट्रिक्स का इतना बनाना है, कैसे बनाना है, ये बना लेंगे वहां से। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप कितना होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप फर्स्ट में लिखेंगे रॉ मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स का मतलब क्या, एम बराबर वन, एक ही रॉ होगा वह मैट्रिक्स जो सिंगल रॉ हो, और कॉलम क्या हो सकता है बहुत सारा कॉलम हो, तो लिख लेते डिफिनेशन, लिखते ए मैट्रिक्स विच हैज, ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच हैज, विच हैज ओनली ओनली वन रॉ और एनी नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम इज कॉल्ड, इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रॉ हो, ये ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर डैश डैश ए वन एन तक, यानी एन कॉलम है, एन कॉलम का मैट्रिक्स है लेकिन रॉ तो सिंगल ही है, रॉ सिंगल है, कॉलम कितना है बहुत सारा कॉलम हो गया, कॉलम बहुत सारा है, रॉ एक ही है, तो इसको यहां पर लिखते हैं ये वन इंटू एन लिखा हुआ, वन इंटू एन, ये वन किसको डिनोट कर रहा है, रॉ को डिनोट कर रहा है, एन किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है, यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं मैट्रिक्स वन इंटू एन का। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा तो कॉलम मैट्रिक्स,
कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी एन बराबर वन, सिर्फ एक ही रॉ, एक ही कॉलम होगा, और रॉ कितना होगा, ज्यादा हो सकता है, कुछ भी रॉ हो सकता है, मतलब लिखेंगे ए मैट्रिक्स विच है a matrix which has only one column and any number of row is called column matrix कहा जाता है, मतलब वह matrix जिसमें एक ही कॉलम हो, a11, a12, a13, डैश डैश a1, a इस तरह से ये a1, a21, a31, डैश डैश am1, यानी कितना हो गया, m रॉ हो गया, और कॉलम कितना, एक ही कॉलम है, यानी m into 1, ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा मैट्रिक्स, यानी एक रॉ कॉलम एक ही हो गया, रॉ कितना हो गया, बहुत सारा रॉ हो गया, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा होता है जीरो और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जीरो और नल मैट्रिक्स, मतलब वह मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स विच हैज ऑल द एलिमेंट्स इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब वह मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो हो जाए, या तो जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिए जीरो जीरो जीरो, यदि कितना, एक दो तीन कॉलम हो गया, इसको लिखेंगे 3x3 मैट्रिक्स, यानी इसको डिनोट करते जीरो, जीरो नल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं, कितना 3x3 रॉ का हो गया। अगर यही कहें 0 0 0 0, इसका मतलब कितना हो गया, 2x2 रॉ का होगा, 2 रॉ 2 कॉलम का हो गया मैट्रिक्स, इसको कहेंगे 2 0 2x2 का कहें। इसका तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें रॉ क्या होता है, कम, और कॉलम क्या होता है, ज्यादा, इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है। यहां पर कहेंगे एम ग्रेटर देन एन, एन ज्यादा हो, एम कम हो, यानी रॉ कम हो, कॉलम ज्यादा होगा, इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे a11 a12 a13 a21 a22 a23, ठीक, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब रॉ कितना है, दो ही रॉ हो गया, तो दो रॉ टू इंटू थ्री का मैट्रिक्स बन गया, यानी दो रॉ और तीन कॉलम का मैट्रिक्स बन गया, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। ये वाला याद रखिएगा, यही पूछता, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स क्या होगा तो क्या होगा, जीरो। एक और होता है वर्टिकल मैट्रिक्स होता है, एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स एम ग्रेटर देन एन, यानी अब क्या होगा, रॉ
ज्यादा होगा कॉलम कम होगा, इट्स कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। यानी कहने का मीन्स ये हो गया ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ये हो गया। अब यहां पर देखिए कितना रॉ का मैट्रिक्स बन गया, एक दो तीन रॉ हो गया, कितना कॉलम है एक दो, दो ही कॉलम है, यानी थ्री इंटू टू का मैट्रिक्स बना, मतलब तीन रॉ दो कॉलम का मैट्रिक्स बन गया। इसको क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है, इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। और नेक्स्ट होता है एक और भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी एम बराबर एम, ये जो है इसका मतलब, कहने का मतलब है रॉ और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जितना रॉ होगा उतना ही कॉलम होगा, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक ना, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये देखिए जितना रॉ होगा उतना ही कॉलम होगा, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये जो m बराबर n लिखा, ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, m बराबर n अगर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो ये क्या होगा, पूछ रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, m बराबर n, m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, तो ये दिया हुआ है। तो यहां से अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इफ लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच हैज, ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच हैज, विच हैज नंबर, नंबर ऑफ रॉ, नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नंबर, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम इज कॉल्ड, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब वह मैट्रिक्स जिसका रॉ और कॉलम इक्वल हो जाएगा, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे ये ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब इसमें एक दो तीन रो हो गया और तीन कॉलम भी है, यानी थ्री इंटू थ्री का मैट्रिक्स बन गया, ये दोनों थ्री इंटू थ्री का मैट्रिक्स बन गया, ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर कहें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ दिया, थ्री इंटू थ्री कितना, नाइन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कई टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को कई टाइप में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है, इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिए, एक होता है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए हमेशा ए आई जे बराबर जीरो, मतलब ए आई जे बराबर जीरो एंड एंड आई बराबर जे बराबर, आई बराबर जे बराबर कोई भी नंबर हो सकता है, ये आई और जे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक ना, ये इक्वल हो या नॉट इक्वल भी नहीं हो सकता है डायगोनल, ठीक ना, ये कहेंगे। तो यही कहने का मतलब डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वह कभी भी इक्वल नहीं होगा। ए वन वन तो जीरो जीरो जीरो, तो ये ए टू टू हो गया जीरो जीरो जीरो, ए टू थ्री थ्री हो गया, मतलब डायगोनल का एलिमेंट हमेशा ही क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और ए आई जे बराबर जीरो, इसका मतलब ये बाकी जितना भी एलिमेंट है वह सारा क्या होगा, जीरो होगा। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फर्स्ट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है यार, ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, ये आई ग्रेटर देन जे रहेगा, यही इंपॉर्टेंट है, आई बड़ा यानी रॉ बड़ा होगा जे से, इसका मतलब समझे में, ट्रेंगुलर कहां बनेगा, ट्रेंगल ऊपर बनेगा, ट्रेंगल ऊपर बनेगा, तो कैसे बनेगा, यहां पर देखिए ट्रेंगल ऊपर बनेगा,
और बाकी जितना भी एलिमेंट है साथ साथ क्या होगा, जीरो होगा। तो ए वन वन जीरो जीरो जीरो, ए टू टू जीरो जीरो जीरो, ए थ्री थ्री। अब देखिए ये बाकी एलिमेंट जो है, ये जो बाकी एलिमेंट है वह सारा का सारा क्या बन गया, ए ए वन टू हो गया, ए वन थ्री हो गया, ये जीरो हो गया, ए ए टू थ्री हो गया। अब देखिए ट्रायंगल कहां बन गया, ये जो ट्रायंगल बन गया ये ऊपर ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल था ये ऊपर बन गया है, ठीक है, ये ट्रायंगल ऊपर बन गया, ठीक। और जितना भी बाकी जो ट्रायंगल में पार्टिसिपेट जो एलिमेंट नहीं हो रहा है वह क्या है, जीरो हो गया। और यही कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो है ए आई जे बराबर जीरो होगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अब जे बड़ा होगा ये याद रखना है, जे बड़ा हो गया इसका मतलब ट्रायंगल कहां बनेगा, लोअर बनेगा। बाकी एलिमेंट क्या होगा, जो ट्रायंगुलर पार्टिसिपेट नहीं होगा वह जीरो हो जाएगा, ट्रायंगल बनेंगे, ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए ये तो हो गया आपका ए वन वन जीरो जीरो, ये हो गया ए, ये भी जीरो जीरो, ये ए टू टू जीरो जीरो जीरो, ए टू थ्री, ठीक। यहां पर ये भी बनेगा ना, ए टू वन बनेगा, ए टू थ्री वन बनेगा, ए थ्री टू बनेगा, ठीक, क्योंकि ट्रायंगल नीचे बनेगा। अब यहां से देखिए ट्रायंगल कहां से बन रहा है, ये नीचे बन रहा है ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा ये वाला एलिमेंट हो रहा नहीं, ये वाला एलिमेंट नहीं आता, इसका मतलब जीरो हो गया। और ये ट्रायंगल में जो पार्टिसिपेट हो रहा वो एलिमेंट तो ले रहे हैं, ठीक। ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें याद रखिएगा ये वाला पोर्शन याद रखिएगा, इसमें ये वाला पोर्शन याद रखिएगा, तो ट्रायंगल कैसे बनता है, ठीक। अब डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स, और एक होता है यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है, और करके लिखेंगे दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर जीरो तो होगा, फॉर ऑल आई बराबर जे बराबर ए, डायगोनल में जो एलिमेंट होगा वह सेम ही होगा, डायगोनल में जो भी होगा वह सेम ही होता है, ठीक। तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए, ये देखिए जैसे हो गया ये ए वन वन जीरो, ठीक, यहां से मानते ए मानते जीरो जीरो जीरो, ए जीरो 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 जीरो, ये ए है। देखिए डायगोनल में हमेशा से क्या है, एलिमेंट सेम ही है, ये सेम ही एलिमेंट हो गया डायगोनल, ठीक ना। जैसे कह दे एग्जाम्पल में कह दे, जैसे ये कहते फाइव जीरो जीरो फाइव, ठीक है, तो डायगोनल क्या सेम ही एलिमेंट आ गया फाइव फाइव। और कहते टू जीरो जीरो टू, तो डायगोनल क्या टू टू का है, सेम ही आ गया एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करते थे, इसका मतलब हो गया ए आई जे बराबर जीरो, जो डायगोनल में पार्टिसिपेट नहीं होगा एलिमेंट वह क्या होगा, जीरो। और फॉर ऑल आई बराबर जे बराबर वन, हमेशा ही डायगोनल क्या होगा, वन होगा। जिस भी मैट्रिक्स का डायगोनल वन वन हो गया, ये समझ जाना वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जैसे यहां पर देखिए, जैसे वन जीरो जीरो वन, ये डायगोनल कितना हो गया वन वन, देखिए जैसे यहां पर करें जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, डायगोनल कितना हो गया वन वन हो गया, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
जिस भी मैट्रिक्स का डायगोनल वन हो गया इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, और जिस भी मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम हो गया पांच पांच तीन तीन दो दो एक एक जो एक एक आ जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाकी छोड़ के क्या होगा वह स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अगर डायगोनल मैट्रिक्स का बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा क्या होगा डायगोनल का एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, जैसे ये टू है जीरो है जीरो जीरो थ्री जीरो 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 फाइव डायगोनल इक्वल है नहीं है, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स करते हैं ठीक ना। फिर इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय भारत।